बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। मुख्य मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे, यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। ईआई टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए यूपी पुलिस के हो, पीएसी के हो, होमगार्ड के हो या अन्य किसी भी विभाग के हो, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में, यहां पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है, बरसात 2019 की तुलना में एक महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य एक महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर दे करके इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेट करें और वहां पे हमारी सेट लगनी चाहिए, टीन सेट लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट होटल में जो कार्मिक हैं इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि से भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सबके साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पास अभी समय है, कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है,
टीम प्रयागराज, जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहाँ पे अधिकृत की गई है, वह यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाते हुए अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काकचौक या तीर्थ पुरोहित, इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी बड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 दिसंबर उसकी डेडलाइन हो। 10 से 15 के बीच में हमारा प्रयास होगा कि हम प्रधानमंत्री जी को यहां आमंत्रित करके कुंभ मेले के लिए उनसे सभी परियोजनाओं का उद्घाटन आदि के बारे में उनके करकमलों से इसको संपन्न करवा करके इसकी शुभारंभ की घोषणा करवा दें। उसकी तैयारी अभी से हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी विभागों से, चाहे वह भारत सरकार के विभाग हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस पर उन्हें दिन रात लग करके मैन पावर बढ़ा, क्योंकि इधर पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पर्व और त्योहार की बहुत, पर्व और त्योहार आप मनाएं अतिरिक्त मानदेय दे करके, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर हाल में एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहां दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। एक कार्य प्रयागराज के अंदर हो सकता है, क्या प्रयागराज के अंदर हम होम स्टे आदि की व्यवस्था को भी प्रमोट कर सकते हैं? बड़े बड़े इवेंट के दौरान ये चीजें होती हैं, हुई हैं, और अच्छा होगा कि इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ मैसेज भी जाएगा, अतिथि देवो भव का एक मैसेज भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है अगर इसमें कुछ प्रयास हो सकता है तो। मान्य जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम भी, पर्यटन विभाग भी, स्थानीय प्रशासन भी इसमें अगर प्रयास कर सकेगा तो इसका एक अच्छा वह मैसेज इसका अच्छा होगा। अयोध्या में बहुत अच्छा उसका मैसेज था, वो काशी में उसके अच्छे मैसेज हुए, अच्छा उसका मैसेज हुआ था, अगर हम कर सकेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये बैठक आज यहाँ पे मेला प्राधिकरण की दूसरी बैठक हम यहाँ पे मेले के साथ, कुंभ मेले के साथ कर रहे हैं और अब हमें जल्दी जल्दी इन बैठकों के क्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम व्यवस्थित रूप से इन सभी इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कर सकें और उत्तर प्रदेश को हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं फिर सभी विभागों से कहूंगा कि जिनका जो कार्य है वे समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, कहीं भी इन दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और अगर कहीं किसी स्तर पर हुआ तो उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे।